दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज अपडेट और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल डेली न्यूज अपडेट में। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो तकरीबन 3 साल पुरानी है। हो सकता है कि आप में से कईयों ने इस कहानी को पहले भी सुना होगा, लेकिन यह कहानी हर बार एक सुखद एहसास कराती है। तमिलनाडु के इरोड जिले में एक बंदरिया की गोद में जब लोगों ने कुत्ते का बच्चा देखा तो वो हैरान रह गए। हैरान होने वाली बात भी थी, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच ऐसा रिश्ता तो बहुत ही कम दिखाई देता है। वो बंदरिया कुत्ते के उस बच्चे की हिफाजत बिल्कुल अपने ही बच्चे की तरह कर रही थी। गली में भूखे मर रहे कुत्ते के उस बच्चे को बंदरिया ने अपनी गोद में उठाया और अपना समझकर अपने पास ही रख लिया। बंदरिया उस बच्चे की हिफाजत का पूरा ध्यान रखती थी। कई दफा अगर कोई आवारा कुत्ता उस छोटे बच्चे की तरफ आता था तो बंदरिया उसकी रक्षा के लिए उन कुत्तों से भी भिड़ जाती थी। कुत्ते के उस बच्चे के लिए बंदरिया का प्यार देखकर लोग दोनों को खाना देने लगे। बंदरिया हमेशा पहले बच्चे को खाना देती थी, फिर बाद में खुद खाया करती थी। कुत्ते के बच्चे के लिए बंदरिया का प्यार देखकर लोग कहा करते थे कि अब वो बंदरिया उस पिल्ले को अपने पास से जाने नहीं देगी। बंदरिया उस पिल्ले का ध्यान बिल्कुल ऐसे ही रखती थी मानो वो उसका खुद का बच्चा हो। जानवर तो जानवर होता है। बंदरिया उस पिल्ले को अपने हाथों में लिए ही पेड़ों पर भी घुमा करती थी। हालांकि इसमें कई दफा पिल्ले की जान को खतरा पैदा हो जाता था, लेकिन बंदरिया ने कभी भी पिल्ले को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया। बंदरिया और पिल्ले के बीच के इस रिश्ते की कहानी सोशल मीडिया पर तब भी काफी वायरल हुई थी। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घरानों ने इसे कवर किया था। स्थानीय लोगों ने जब इस बंदरिया का कुत्ते के बच्चे के प्रति अगाध प्रेम देखा तो वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बंदरिया और उसके बेटे के जैसे पिल्ले के लिए खाना रखना शुरू कर दिया। आज के इस भौतिकवादी युग में बंदरिया और इस कुत्ते का ये रिश्ता हम इंसानों को सीख देता है रिश्तों की अहमियत समझने की। हमारे समाज में अब रिश्तों की अहमियत को लोगों ने समझना बंद कर दिया।